आप 2024 में 40-50 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य सामने देख रही हैं। ममता बनर्जी की भी 50 लोकसभा सीटों पर नज़र है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर सीबीआई के बड़े छापों का मतलब क्या है? आखिरकार लालू अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, दोषी ठहराए गए लेकिन जेल गए और तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य कारण जमानत पर रिहा हुए। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पिछले हफ्ते अचानक 17 जगह पर सीबीआई की छापेमारी आकरण नहीं थी। यह कोई रहस्य नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रमुख सहयोगी भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि भगवा पार्टी अफसर की ताक में है। भाजपा ने कनिष्क सहयोगी वीआईपी के तीनों विधायकों को निगल दिया और कांग्रेस व राजद को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का उसका इरादा है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि भाजपा जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव के बाद इस योजना पर अमल कर सकती है। एक चतुर राजनीतिक नेता नीतीश कुमार भी इसके बारे में जानते हैं कि और अपने राजनीतिक विरोधी तेजस्वी यादव से खुलकर मिलते रहे हैं। इसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन कुछ गहरी खिचड़ी पक रही है। बिहार में जुलाई 2017 में एक राजनीतिक विस्फोट हुआ था, जब नीतीश ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लालू को छोड़ दिया और मोदी से हाथ मिला लिया। यह राजनीतिक नैतिकता के सभी मानदंडों के खिलाफ था और पहली बार तब देखा गया था जब भजन लाल ने ऐसा 1980 के दशक में हरियाणा में किया था। यहाँ यह कह जाना चाहिए कि तत्कालीन जदयू नेता शरद यादव ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और अपनी राज्यसभा सीट और एक सुनिश्चित कैबिनेट सीट हारकर उसकी कीमत चुकाई। विडंबना यह है कि वही नीतीश कुमार 5 साल बाद पटना में लालू के घर जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर नीतीश कुमार के उभरने से उत्तर भारत में उनकी संभावनाओं को नुकसान होगा। ममता बनर्जी की भी 50 लोकसभा सीटों पर नजर है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी एक बड़ी भूमिका की कोशिश में है और कोई भी सुनिश्चित नहीं है कि वे लोकसभा चुनाव के समय क्या करेंगे। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस और उड़ीसा में बीजद अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर खुश है और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, लेकिन सपा CPM द्रमुक राकपा और अन्य दल तीसरे मोर्चे को पुनर्जीवित के इच्छुक नहीं हैं और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाना पसंद करेंगे। 2024 की लड़ाई के लिए अगले 2 महीने अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।